हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार के चर्चे देश भर में हैं। विज के जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटान होता है। ऐसे में लोग अनिल विज की कार्यशैली से किस कदर प्रभावित हैं, इस बात की गवाही अनिल विज के निवास पर लगने वाली कतारें देती है। अनिल विज के जनता दरबार पर अपनी समस्याओं को लेकर सिरसा से एक बुजुर्ग पैदल चलकर अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। आपको बता दें कि बुजुर्ग के बेटे की हत्या की गई, जिसमें 11 लोगों पर FIR दर्ज है। बुजुर्ग के बड़े बेटे का कहना है कि सिरसा पुलिस ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अनिल विज ने तुरंत ही इस मामले में हिसार IG को SIT बनाने के निर्देश दिए। सिरसा हरियाणा से आए हैं। सिरसा के अंदर डबली खंड है, जो हमारा गोदी का गांव है बुस्तैनी, वहाँ हमारी जमीन थी, जहाँ पे मेरे छोटे भाई मुकेश और मोनू का मर्डर कर दिया था। पिताजी न्याय के लिए 3 दिन सिरसा से पैदल चले थे, 80 वर्षीय हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने, चक्कर आने की वजह से वो घायल हो गए थे, सिरसा से बाहर आए थे। उसके बाद वहाँ लघु सचिवालय सिरसा के गेट पर भी लगातार धरना लगा के बैठे। उसके बाद हम आज जब इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ तो अनिल जी के पास न्याय के लिए आए। विज साहब ने कहा है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, हिसार IG को उन्होंने रिकमेंड किया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल मिलेगा जी सर, एक पूरे देश के अंदर ही, मैं हरियाणा के अंदर नहीं कह सकता, पूरे देश में ही एक ही मंत्री है अनिल विज जी, जहाँ से जिसको कहीं से न्याय ना मिले, इस जो